झारखंड विधानसभा के 5 दिवसीय शीतकालीन सत्र से लौटे मनीष जायसवाल ने बताया कि झारखंड विधानसभा के पटल पर हजारीबाग के ज्वलंत मुद्दों को मैंने उठाया। बताया कि हजारीबाग में ट्रैफिक समस्या से निजात पाने के लिए ट्रैफिक डीएसपी के साथ ट्रैफिक पुलिस की पूरी टीम पदस्थापित करने की मांग मैंने की। फुटपाथ व्यवसायी की समस्या, बिजली की समस्या, जेपीएससी पीटी की परीक्षा में हुई बड़ी धांधली को लेकर आंदोलनरत छात्रों के समर्थन में बातें की। कार्य स्थगन प्रस्ताव लाते हुए जेपीएससी पीटी की परीक्षा रद्द करने, पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई से कराने, वर्तमान जेपीएससी अध्यक्ष को तत्काल बर्खास्त करने की मांग की। होमगार्ड के अभ्यर्थियों की सूची रद्द करने का मामला, जिसमें घोर अनियमितता है, जांच कराने की मांग मैंने की है। साथ साथ केरेडारी स्थित इपिज में हाथियों के झुंड के चपेट में आने से केरेडारी प्रखंड मनातु ग्राम निवासी मजदूर परिवार के 3 लोगों के निधन के मामले में मुआवजा देने की मांग मैंने रखा। राज्य में कई जिलों में खास महल भूमि एवं जीएम लैंड की पुनः नवीनीकरण से संबंधित पदाधिकारियों की मनमानी पर रोक लगाने जैसे करीब 1.5 दर्जन मामले को सदन पर पुरजोर तरीके से उठाया। अगर झारखंड सरकार अपने मनमाने रवैये पर इसी तरह अडिग रहा और कार्रवाई नहीं करती है, बिजली की समस्या का निदान जल्द नहीं करती है, तो भाजपा पहले भी आंदोलन करती थी, आगे भी सभी मुद्दों पर आंदोलन करेगी। जो माइनस अपना लाइन बना करके, अपना ग्रिड बना करके सप्लाई है, तो मैंने मांग किया कि भाई ये जो लाइन है और जो ग्रिड है, इसको राज्य सरकार डीवीसी से बात करके, क्योंकि डीवीसी और केंद्रीय उपक्रम है, दो सरकारों के बीच की बात है, चाहे तो ये बात करके ये जो राज्य सरकार है डीवीसी का ये संसाधन को खरीद ले, वितरण को, और नेशनल ग्रिड से बिजली खरीद करके मेरा पहला सुझाव। मेरा दूसरा सुझाव है कि एनटीपीसी ने यहाँ पर ग्रिड बनाया हुआ है बड़का गांव का, केवल 23 पोल बना देने से नेशनल ग्रिड से हम लोग बिजली जो है वहां तक ला सकते हैं, और उसके बाद वहां से फिर जो है हम लोग पूरे जिला में बंटवारा कर सकते हैं, तो हमारी जो डीवीसी और जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाएगी। और इसका इनिशिएट भी हम लोगों ने बैठे बैठे इनिशिएट भी करवाया है, एनटीपीसी के जो मजुमदार साहब है उनके माध्यम से, उन्होंने सिक्योरिटी से बात की और ये मामला भी चालू हुआ है। तो अगर सरकार गंभीर होगी तो 23 पोल या 23 टावर कितने दिन में लग जाएगा, 3 महीना में, 4 महीना, तो ये जो बिजली का प्रॉब्लम है जो डीवीसी का जो समस्या उससे हम लोग जाएगी। ये दोनों सजेशन मैंने दिया है। विधायक मनीष जायसवाल इसी क्रम में राज्य के कई अन्य मामले को लेकर महामहिम राज्यपाल और मुख्यमंत्री से भी मिले, जिसमें बोकारो में तैयार एयरपोर्ट को चालू करने, औधन में पकड़े गए एक मिनी गन फैक्ट्री के उद्भेदन होने के बावजूद पुलिस द्वारा कार्रवाई नहीं करने और हजारीबाग नगर निगम के नगर आयुक्त की कार्यशैली के विरुद्ध मेयर सहित 1.5 दर्जन वार्ड पार्षदों के साथ सीएम हेमंत सोरेन से मुलाकात कर जन प्रतिनिधियों को सम्मान नहीं देने वाले ऐसे नौकर शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की और आरोप लगाया कि झारखंड सरकार को जनहित और राजहित में विकास कार्य से दूर तलक कोई मतलब नहीं है, लेकिन तुष्टिकरण की राजनीति करने में पूरी तरह से राज्य सरकार लिप्त है। प्रेस वार्ता में हर्षित टीवी के ब्यूरो चीफ प्रदीप पाठक उपस्थित थे। आइए देखते हैं प्रेस वार्ता के कुछ खास अंश। दूसरा, सरकार जनता को ठगने का काम कर रही है। आपने जितने प्रश्न सदन पर रखा, अगर नहीं मानती है सरकार तो क्या आप भाजपा रोड पर संघर्ष करेगी इसके मुद्दे पर? देखिए, हम लोग ये एक समय था जबकि सत्र और था, तब हम लोगों ने सत्र में सदन में ये प्रोटेस्ट किया, लेकिन आपको नहीं लगता कि हम लोग वीडियो ऑफिस का धरना दिए हैं तो वो सड़क पर प्रदर्शन था। हम लोग रोज बेसिस पर कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई कार्यक्रम के माध्यम से या तो जन जागरण करते हैं या इनके केंद्र से, ये जो राज्य सरकार है, इनकी सारी योजनाओं के इम्प्लीमेंटेशन के लिए इन पर दबाव बनाते हैं, तो हम लोग तो रोज ही सड़क पर हैं। बिजली के अभी भी हम आपको बताते हैं कि अगर बिजली में कोई गुणात्मक सुधार जल्द नहीं होता है तो हम लोग एक जन आंदोलन इसके रूप में खड़ा करें। बिजली के लिए सबसे बड़ा अगर सब जगह दबाव अगर हो सके तो ये है कि क्यों नहीं यहाँ पे रेल रोको एक कार्यक्रम हो, ताकि सब लोग इसमें जुड़े, यहाँ के लोग हो, जनप्रतिनिधि हो, क्या ये संभव है? ऐसा कोई विचार है करेंगे? देखिए, हम लोग एक रिस्पॉन्सिबल जनप्रतिनिधि,
जो भी कार्रवाई करेंगे तो ये सोच करके करेंगे कि न राज्य का नुकसान हो, न देश का नुकसान हो और हमारा जो अपना काम है भूमि हो। इस देश के जो कानून है उन सभी को सम्मान करते हुए भी प्रदेश को हम अंजाम देंगे। तो जो भी जब हम लोग निर्णय लेंगे, जब डिसाइड करेंगे इसका मेट्रोलॉजी क्या होगा जन आंदोलन का, उस समय हम लोग उस देश के प्रिविलेज सारे नियम कानून को भी ध्यान में रखते हुए और जो अपने मन में भी अगर हमको लगता है कि हमको देश के संपत्ति को, देश के समय को, देश के जो एसेट्स है उनका उपयोग को बाधित करना चाहिए तो भी करना चाहिए, इन सभी को देख करके निर्णय लेंगे।